नगर निगम कार्यालय में कर्मचारी आशीष गौड़ की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम के कर्मचारी संघ भवन में आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीते मंगलवार को आशीष गौड़ की मार्ग दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मृत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। समन्वय समिति के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि इस दुखद घड़ी में हम होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे। शोक सभा में दीपक श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, विनोद श्रीवास्तव, सिया राम सिंह, अब्दुल नसीम, मुश्ताक अली सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, बहुत ही दुखद घटना हम लोग के बीच में, एक हमारे साथी कल अकाल दुर्घटनाग्रस्त में हो गई। कल हम लोग बैठे थे, 1 बजे जब मुलाकात हुई और ये 6 महीने की उसकी सेवा काल है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। और सर आप नाम बचल गौ की अकाल मृत्यु दिनांक 19 तारीख को शाम 5:30 2 मिनट मौन रख के बताइए। जन मृत्यु कार्यालय में अस्थायी तौर पर तैनात स्वर्गीय आशीष गौड़ सनाफ राम बचन गौड़, जो बहुत ही व्यवहार कुशल, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, कर्मचारियों से मिलनसार थे, हसमुख थे। कल शाम को जो कार्यालय से होली मिलने के बाद अपने आवास को जा रहे थे, अपने घर पे जा रहे थे, बरहुआ के पास रोडवेज की गाड़ी ने उनको पीछे से ठोकर मारा, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हुई। उसके उपलक्ष्य में आज नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के तत्वाधान में एक शोक श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है, और उसके उपलक्ष्य में शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करने के बाद निर्णय लिया गया है कि होली नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी और सभी कर्मचारी कल होली मनाने का कार्य नहीं करेंगे, और हम लोग नगर आयुक्त से मांग करेंगे उस परिवार को तत्काल आर्थिक रूप में मदद की जाए।